जब नवाज शरीफ लंदन से वापस आ सकता है, जब अली जफर इतना दूर रहने के बाद पीएसएल में वापस आ सकता है, तो क्या लाहौर और कराची की पुरानी टीमें वापस नहीं आ सकती? लो आ गई फिर पुरानी फॉर्म में, वही लाहौर वही कराची, पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिर पे घूम रही। इन दोनों टीमों की मिसाल उस आशिक और मशूक के जैसी है जो पानी में डूब रहे हो और लाइफ जैकेट एक हो, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं कि नहीं जानू, ये लाइफ जैकेट तुम पहन लो, तुम अपनी जान बचा लो, मेरी खैर है। लेकिन वो कहती है ना, मैं तुम्हें नीचे जाते हुए नहीं देख सकती, मैं तुम से नीचे जाऊंगी, तुम जाओ बाहर। पहले लाहौर सबसे नीचे थी, लेकिन अब कराची वाले पूरी पावर लगा रहे हैं, नहीं तुम हमारे मुश्किल वक्त के साथी हो, जब हमारी बेइज्जती होती थी तब तुम लोग भी हारते थे और हमारी बेइज्जती आधी आधी कर लेते थे, तो इस तरह हम नहीं कर सकते, तुम्हें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे। वो कहते नहीं हम जाएंगे। बस फिर यही शुगल मेला चल रहा है और ये दोनों टीमें भाई धड़ाधड़ नीचे गिर रही है। और देख लो यार, कराची के 3 मैचेस हुए हैं कराची के अंदर, तीनों हारे हैं। अब फिर बोलते हैं कि आवाम सपोर्ट करने नहीं आती, क्या घंटा स्पोर्ट करने आवाम का क्या कसूर है इसमें? जो मैच किसी और का भी चल रहा हो तो बाबर बाबर के नारे पूरे ग्राउंड में घूम रहे होते हैं। ये वही फैंस हैं जो रिजवान के लिए मरते हैं, शाइन के लिए मरते हैं, आमिर को सपोर्ट करते हैं, नसीम शाह को सपोर्ट करते हैं, ये वही फैंस हैं। वो सारे खिलाड़ी के फैंस को पैसे दे रहे होते हैं कि 100-100 रुपए ले मेरे नारे लगाना, ऐसा नहीं होता भाई, दिल से सपोर्ट निकलती है, दिल से बंदा आता है मैच देखने के लिए। स्टेडियम तो खाली होने हैं, सबको ही पता था ये तीनों मैचेस हारे और सबको पहले से ही पता था कि इन लोगों ने हार ही जाना है। और फिर कहते हैं कराची की आवाम का कसूर है, वो देखने नहीं आती। यार परसों के 2 मैचेस बड़े अच्छे होने थे, लेकिन वो तो बारिश की नजर हो गए थे। जो पिशावर जलमी और लाहौर कलंदर का था और शाम को इस्लामाबाद और क्वेटा का था, लेकिन दोनों धुल गए पिंडी में। कल का मैच फिर कराची स्टेडियम के अंदर ही रखा गया, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का। पहले मुल्तान वाले बैटिंग कर रहे थे और अच्छा हुआ कि वही बैटिंग करने आए, थोड़ा तो हमने छक्के चौके देख लिए ना। उस्मान खान ने बड़ा मजा कराया यार, 59 बॉलों पर 106 रन उसने बनाए। इसके साथ रिजवान खड़ा था, बहुत जबरदस्त तो नहीं खेल गया लेकिन गुजारा कर गया, 44 बॉलों पर 58 रन उसने बनाए, इसको स्ट्राइक रोटेट करके देता रहा। फिर आखिर पे हमारे मेनिया को जगह मिली, लेकिन वो बेचारा आते ही हिट मारने के चक्कर में बाउंड्री पे कैच दे बैठा। लेकिन मुल्तान वालों ने सच्ची बात है ज्यादा जोर लगाया ही नहीं, सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। अब देखो जिस टीम के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हो और वो 190 का टारगेट थोड़ी देगी, लेकिन इन लोगों ने ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो खेला कि अरे खुद और वैसे भी पुलाड नहीं है तो कौन बनाएगा, पूरे 190 का टारगेट दिया। जब कराची वाले इस बड़े टारगेट को चेस करने हैं तो मुझे लगा आज शान मसूद बहुत तेज खेलेगा यार, बड़ा टारगेट है। लेकिन ऐसा अच्छा स्टार्ट दिया कि 29 बॉलों पर 36 रन, वाह कमाल। अगर आपको ओपनिंग पे इतना शानदार और तेज तरीन स्टार्ट मिल जाए तो पीछे वाली टीम वैसे ही बैठे बैठाए वो सुस्त हो जाते हैं, उधर ही सो जाते हैं। तभी तो वो पिछले दिनों तबरेज शमसी भी बेचारा ड्रेसिंग रूम में ऐसे बैठे बैठे सो गया, उसकी गलती नहीं है, सब उस पे बातें कर रहे थे, वो सो गया बेचारा इसीलिए क्योंकि आगे टेस्ट चल रहा होता है, वो क्या करे। साथ वाले और कोई खास चले नहीं, टिम साइफर्ट ने 1 बनाया, जेम्स विंस ने 7 बनाए, शोएब मलिक भाई 28 पे 38 बनाए। ये भी अपनी सना जी को कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं अभी भी इस उम्र में भी। हां एक मैच विनर नवाज का भलो जो एक साइड पे नॉट आउट खड़ा रहा, उसने 17 पे 27 रन बनाए, बाकी इधर से भी पुकते गए उधर से भी सारे पुकते गए। अब पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे मुल्तान की टीम खड़ी है, दूसरे नंबर पे क्वेटा की टीम है, तीसरे नंबर पे पिशावर जलमी, चौथे पे इस्लामाबाद, पांचवें पे कराची किंग्स और छठे पे है द वन एंड ओनली लाहौर कलंदर्स। यार ये वाला मैच तो थोड़ा वन साइडेड हुआ, लेकिन आज का मैच में उम्मीद है मजा आएगा क्योंकि शाम 7 बजे आएंगे पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने, तो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो उम्मीद है मजा आएगा इस मैच का। बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।